holds a circular ring of mass m radius r near the tip of one's finger as shown in the figure. In the process, the finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out the surface of a cone denoted by the dotted line. The radius of the path traced out by the point where the ring and the finger is in contact is r. The finger rotates with an angular speed omega naught. The rotating ring rolls without slipping on the outside of the smaller circle described by the point where the ring and the finger is in contact. Figure 2 ko dekhna hai iske liye. The coefficient of fingers friction between the ring and the finger is mu. The acceleration due to gravity is g. Okay. अब उसने पूछा है कि total kinetic energy of the ring कितनी होगी, यही निकालनी है. ठीक है, ये kinetic energy of ring निकालने का question है. इसमें क्या करेंगे अब? ये देखो, आपको diagram तो clear हो गया ना? हाँ sir. अब clear है? I hope आपको diagram clear है सभी को. Yes. सबको ये हाँ बोल दो, सिर्फ Orgo का आवाज आ रहा है मतलब. Yes sir. ठीक है. तो देखो ये जो डॉटेड लाइन देखो यहाँ पे चेक करो, ये जो स्मॉल आर रेडियस का सर्कल दिखा रखा है, दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फिंगर है ये, मतलब फिंगर का जो पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट में रिंग के साथ, वो जो सर्कल में घूम रहा है वो दिखा रखा है. ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली आपका पूरा का पूरा रिंग ही है. ठीक है, तो आप बताओ मुझे कि इसका ये जो डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम जो फिगर 2 है, उसमें कौन सा पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है? क्या सर्कल का मतलब जो रिंग है, क्या उसका सेंटर रेस्ट पे है? बताओ सर. मतलब बड़े वाला जो रिंग को घुमा रहा है उसका सेंटर? हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं है सर रेस्ट में? ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप फिंगर से ट्वर्ल कर रहे हैं तो आप उसको घुमा ही तो रहे हैं ना, है ना? बट ये जो रिंग मैंने छोटा सा एक सर्कल बना रखा है, देखो जो छोटा सा सर्कल है डायग्राम जिसको स्मॉलर रेडियस का दिखा रखा है, उसका सेंटर फिक्स है या नहीं है? हाँ सर है उसका सेंटर. ठीक है, तो ये वाली जो सेंटर हम दिखा रहे हैं, ये वाली सेंटर, दिस इज फिक्स्ड. फिक्स मतलब ये मूव नहीं कर रहा है. तो इस केस में सोच के देखो, आप इस केस में सोच के देखो, अगर मैं यहाँ से इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अगर ओमेगा नॉट मार्क कर लेता हूँ, ये ओमेगा नॉट तो उसने ऑलरेडी दे रखा है. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा नॉट इनटू स्मॉल आर आएगा, नहीं आएगा? नहीं. हाँ सर आएगा. और अगर रिंग के सेंटर का वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा? ओमेगा नॉट इनटू कैपिटल माइनस स्मॉल आर आएगा, नहीं? हाँ सर. तो रिंग का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है या प्योर रोटेशन है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड रोटेशन भी हो रही है. और इसका ये जो सेंटर जो हमने दिखा रखा, जो फिक्स्ड जिसको मार्क किया है, क्या यही इसका आईसीआर है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि वो फिक्स हो गया, इसका मतलब उसके अबाउट ही पूरा का पूरा असेंबली घूम रहा है. हाँ सर, राइट, समझ आ रही है? तो अब आप दो चीज कर सकते थे, या तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का फॉर्मूला लिख लो, कि काइनेटिक एनर्जी का टोटल लिखनी है मुझे, इफ आई एम सपोज टू राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो एक तो आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाले पार्ट का लिख लो, एंड प्लस दूसरा रोटेशन वाले पार्ट का लिख लो. आप ये वाले लिख लो अगर आईसीआर में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ एम इंटू वी सी एम का स्क्वायर. वी सी एम मतलब कितना हो गया? ओमेगा नॉट इंटू आर माइनस आर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, एंड प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं आप? हाफ ऑफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर. ICM मतलब कितना हो गया? m into r square and into omega naught square. लिख सकते हैं ना इसको ऐसा? लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते. ठीक है, अब इससे अगर देखोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर. एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, और एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो जब आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो टिक करके आना ही है. अगर आपको जब आपको चार ऑप्शन दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपने टेक्निकली कोई मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि मैं श्योर हूँ इसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक मैंने नहीं किया है,
तो अगर टेक्निकल मिस्टेक आपने नहीं किया है तो इस केस में अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको ये सोचना चाहिए कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा उसने क्या सोच के फ्रेम किया होगा। तो एक चीज सोच के देखो कि अगर अगर हम ऐसा करें, जैसे फिंगर, अपने खुद ही सोच के देखो, अगर आप अपने फिंगर टिप में किसी चेन को घुमाते हो या रिंग को घुमाते हो, तो आपका फिंगर टिप जिस रेडियस में घूमेगा क्या वो बड़ा रेडियस होगा या काफी छोटा रेडियस होगा? काफी छोटा सर लगता है, तो हैंड स्टैटिक ही रहता। हाँ, तो मतलब क्योंकि एक एंड बॉटम वाला एंड तो आपको फिंगर का जो इंडेक्स फिंगर का जो बॉटम एंड है उसको फिक्स रखना है और उसके बाद फिर उसको घुमाना है, तो जिस रेडियस में आपका फिंगर का टिप जो घूम रहा होगा वो तो काफी छोटा रेडियस होगा, होगा ना? समझ आ रही है? तो इससे हम ये अज्यूम करें, अगर हम ये अज्यूम करें इफ इफ स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, देन क्या हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू कैपिटल आर? लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। देयरफॉर अब काइनेटिक एनर्जी लिखे तो कितना आएगा, देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, एम ओमेगा के साथ मैच आएगा, आएगा यस सर, हाफ प्लस हाफ वन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। तो समझ आई आपको? हाँ सर। ठीक है, अदरवाइज एक भी ऑप्शन नहीं मैच किया है। ठीक है, ये अगर आर नहीं दिया है आपको तब वो मैच नहीं करेगा, मतलब आर और आर का कोई रिलेशन नहीं दिया तो वो मैच नहीं करेगा। सर यहाँ पे ट्रांसलेशन किधर हो रहा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो दिखाया ना बेटा, ये देखो जो आपका जो सेंटर ऑफ मतलब जो जो फिंगर टिप जिस सर्कल में घूम रहा है उसका जो सेंटर है वो तो फिक्स है ना। हाँ। तो वो सेंटर अगर फिक्स्ड है तो उस सेंटर से रिंग का सेंटर को मार्क किया। हाँ। और रिंग का सेंटर भी तो उस फिंगर टिप का जो सेंटर था उसके अबाउट घूम रहा था ना। हाँ हाँ। तो वही तो है, तो ये सिचुएशन ऐसा दिखेगा कि जैसे आपका जो फिंग जो रिंग का जो सेंटर है ना वो कुछ ऐसा घूमता हुआ दिखेगा। देखो रुको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये देखो कुछ ऐसा दिख, समझ आ रही है आपको? हाँ सर ऐसा। हाँ जो फिंगर टिप मतलब जो रिंग का सेंटर होगा ना वो ऐसा घूम रहा होगा। हाँ ये ट्रांसलेशन ही तो हुआ ना। मतलब जो अगर 17 के लिए किसी ने ग्रेस मार्क्स दिया है तो उसको 18 के लिए भी ग्रेस मार्क्स देना चाहिए था, बट उसने 18 के लिए ग्रेस मार्क्स नहीं दिया, मतलब नहीं दिया उसके पीछे मुझे रीजन नहीं पता क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या मिस्टेक होगा। जैसे आपका फिंगर टिप जो है सोच के देखो, ये फिंगर टिप का एक बार मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये सोचो आपका फिंगर टिप है, ठीक है, और हम अपना रिंग को बना रहे हैं, यहाँ पे एक बार रिंग बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी अभी चेक करो, फिंगर अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो सरफेस से थोड़ा इंक्लाइंड मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं? हाँ सर मिलेगा थोड़ा। ये सोचो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन वर्टिकल से मान लो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो अगर ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है तो इस केस में इधर से नॉर्मल रिएक्शन भी जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन विल आल्सो बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, सिंस ये स्लिप नीचे करने की टेंडेंसी रखता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये फ्रिक्शन ऊपर, और सेंटर ऑफ मास से इसका एक वेट भी ऐड करेगा mg। ठीक है, इसमें अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो ये ऑलरेडी आपने देख लिया था जो सेंटर ऑफ मास था वो r माइनस r रेडियस के सर्कल में घूम रहा था,
तो उसके पास जो एक्सेलरेशन चाहिए वो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर माइनस आर चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेंटर की तरफ, ये है ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर माइनस आर है। अब इस केस में एक्चुअल अप्रोच जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, आप सोच के देखो। अच्छा, ये एक चीज गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट रुकिए। ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन मैंने गलत दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने जो दिखा रखा है ये फिंगर टिप पे है ना, है ना? ये फिंगर टिप पे नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया मैंने, जबकि हमें नॉर्मल रिएक्शन जो दिखाना है वो किस पे, रिंग पे ना, रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ सर। ये नॉर्मल रिएक्शन का जस्ट डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है? ये नॉर्मल रिएक्शन उल्टा कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम रिंग पे दिखा रहे बेटा, ठीक है? तो अब अगर आप डायग्राम में के अकॉर्डिंग अगर अप्रोच करोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, एक है एन कॉस थीटा प्लस एफ, एफ की वैल्यू में कॉस 90 माइनस थीटा मतलब एफ साइन थीटा आ जाएगा। और उसने ऑलरेडी कह रखा है देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल नॉट ड्रॉप, इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। हाँ सर, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन जस्ट होगा तभी तो कह रहे हैं ना, इससे आपको ये समझ आना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन लगानी है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड इनटू साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इनटू आर माइनस आर। ये समझ आएगी आपको, ठीक है? ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा आपका, वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि वर्टिकली तो नीचे गिर नहीं रहा है, इसका मतलब एम जी प्लस द नॉर्मल रिएक्शन का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। समझ आइए आपको? समझ आइए? Yes. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से एन निकाल के आप इक्वेट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो n आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी m ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r माइनस r एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं होगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू cos थीटा एंड प्लस, सॉरी माइनस, माइनस sin थीटा। देखो तो यही आ रहा है क्या? अगर मैं दोनों तरफ से अगर मैं cos थीटा को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा, देखो तो क्या आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर माइनस आर, एंड ये आ रहा है आपके पास म्यू माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू g into 1 plus mu tan theta, आ रही है ना? हाँ सर। और omega naught की वैल्यू उसने पूछी थी आपसे, तो omega naught की वैल्यू कितनी आ रही है, root under g into 1 plus mu tan theta divided by mu minus tan theta and into r minus r। समझ आई आपको? समझ आई? अब अगर आप देखोगे तो चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देखो दिख रही है आपको? हाँ सर दिख रही है। आप बस यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे बस एक चीज करो, थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल मान लो, थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल। थीटा का वैल्यू नेग्लिजिबल मानने का रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, रेडियस जो है वो बहुत छोटा होता है, अगर रेडियस बहुत छोटा होगा मतलब जो स्मॉल आर था वो बहुत छोटा था, तो स्मॉल आर अगर बहुत छोटा होगा तो लॉजिकली सोच के देखो क्या एंगल बहुत छोटा नहीं होगा थीटा, आपका इंडेक्स फिंगर कितना एंगल पे टिल्ट हो सकता है सोच के देखो वर्टिकल से, क्या छोटा एंगल पे टिल्ट होगा ना, वो होगा नहीं होगा, और एंगल अगर छोटा होगा तो टैन थीटा का वैल्यू भी तो नेग्लिजिबल होगा, होगा? यस सर। और टैन थीटा अगर नेग्लिजिबल हुआ तो रिलेशन क्या आएगा, देखो बस टैन थीटा को एलिमिनेट कर दो वहां से, तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, जी बाय
म्यू टाइम्स ऑफ आर माइनस आर आ रहा है ना? हाँ सर। और वो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? हाँ सर। तो उन्होंने क्या किया था ना, इंडेक्स फिंगर को वर्टिकल मान के डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया था, इतना कुछ किया ही नहीं उन्होंने। क्या किया, इंडेक्स फिंगर को वर्टिकल मान लिया और उसके बाद फिर सिंपली नॉर्मल रिएक्शन बोली। अगर इंडेक्स फिंगर सोचो वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगा ना? हाँ सर। तो नॉर्मल रिएक्शन को सीधे से लिख दिया एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर माइनस आर और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, मतलब एम जी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, बस दैट्स इट, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर निकाल दिया। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, बट वैसे नहीं, ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहिए था, एक्चुअल अप्रोच ये होता आपका। सो इफ थीटा इज नेग्लेक्टेड, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस आर वेरी लेस देन कैपिटल, देन ओमेगा नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली रूट अंडर जी बाय म्यू टाइम्स ऑफ आर माइनस आर। ठीक है, अब सोचो आईआईटी जेई में भी क्वेश्चंस गलत आते हैं और ये हर साल आता है, हर साल एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं। सर ये इस साल का ही था? नहीं नहीं, ये साल का नहीं, ये 2017 का था, ये 2017 का था बेटा। हर साल में कह रहा हूँ, हर साल कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं पेपर में, आपको जुडिशियसली वहां पे बस डिसाइड करके आगे निकलना पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है उसको छोड़ने का और फिर आगे बढ़ने का, टाइम वेस्ट नहीं करते रहने का।